हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स पुनः परीक्षा 2015। आपको बता दें 2015 में दो पहली बार पेपर हुआ था, फिर दोबारा पेपर हुआ था, तो 2015 के दो पेपर हैं। ये सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा का। इससे पहले आपको बता दें कि हम लोगों ने यूपी पीसीएस का नया पैटर्न और यूपी पीसीएस का नया सिलेबस और 12, 13, 14, 15 ये सभी पेपर सॉल्व, इनसे संबंधित सभी जानकारी हमने पिछले लेक्चरों में देख लिया है। अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग 2015 पुनर्परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा का पहला फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो पहला है हमारा क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो याद रखिए, गाय को, अघन्या। वैदिक काल में, बी ऑप्शन सही है इसमें, वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूल आधार पशुधन गाय मुद्रा की भांति समझी जाती थी। अधिकांश लड़ाइयाँ इस समय गायों के लिए ही लड़ी जाती थी। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो याद रखिए, पुराण के, बी ऑप्शन सही है। अमरकोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के पांच लक्षण हैं माने गए, सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय, पुनर्जन्म, वंश, देवता, ऋषि, सूचि। मन्वंतर है 14 मनु के काल और वंशानुचारित है सूर्य, चंद्रमा, चंद्रादि वंशीय चरित। सर्ग में पंच महाभूत इंद्रगढ़ बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन है। वंश में सूर्य, चंद्रादि वंशों का निर्माण है। मन्वंतर में मनु, मनुपुत्र देव, सप्तऋषि, इंद्र और भगवान आदि है के अवतारों का वर्णन है। वंशानुचरित में पितिवंश के पिति पुरुषों का वर्णन है। पुराणों के कुल संख्या है 18, वो इनके रचयिता हैं वेद व्यास जी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें हमें सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो इसमें सम्राट हैं हमारे और इसमें विरोध है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अशोक, देवनापिय, पियदर्शी, समुद्रगुप्त, परक्रमांक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। अशोक को प्रियदर्शनी और या देव नाम प्रिय, समुद्रगुप्त को परक्रमांक, चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य उपाधियां दी गई या दूसरे नाम थे इनके। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? याद रखिए, नहीं आया था पूछा, तो यह सी ऑप्शन है इसमें, डाइमेकस, कार्टियस, डियोडोरस, एरिन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियारकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टो वुल्स आदि यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आक्रमण के सरस के समय भारत आए थे, जबकि डाइमेकस सीरियाई राजदूत था जो बिंदुसार के शासनकाल 257 ईस्वी ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व में आया था। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है,
तो इसमें बी ऑप्शन है, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी की नहीं है। पहला हमारा ये है लाइफ ऑफ हेनशियांग, ये हुई ली की है, ये सही है। फिर है हमारा सी ऑप्शन हिस्टोरियल फिलिपिकल, ये पॉम्पेस टोगस की है। द हिस्ट्री हेरोडोटस की है। द ऑप्शन बी ऑप्शन गलत है। प्लिनी एक रोमन लेखक था। फिर कितिवादी दार्शनिक और सेनानायक था। द नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक इसी ने लिखी थी, प्लिनी ने। छठवा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? तो याद रखिए मित्र, सी ऑप्शन है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के सात अंग हैं, स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, वल, मित्र। सातवां क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत के फोलियार कौन थे? तो याद रखिए सी ऑप्शन है क्षेत्रीय शासकीय और सैन्य नियंत्रक। सात की व्याख्या देखते हैं, सातवें की। फुलियार अथवा फलैयाकार 16वीं और 18वीं शताब्दी के समय विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय फिर शासक व सेनानायक होते थे। अब बात करते हैं हम लोग आठवें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो याद रखिए दंती दुर्ग ने, सी ऑप्शन है इसमें। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती बर्मन या दंती दुर्ग था, जिसके 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी चालुक शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी मान्यखेत या मालखेत को बनाया। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। अब नौवां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, तो इसमें डी ऑप्शन है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में हुआ, खानवा का युद्ध है जो 1527, घाघरा का युद्ध है, घाघरा का ये हुआ 1529 में, और चंदेरी का युद्ध ये हुआ था 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के मध्य, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को बुरी तरह से पराजित किया था। दसवां क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो याद रखिए ये है विलियम हॉकिंस, सी ऑप्शन है। 1608 ईस्वी विलियम हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी हेतु व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया था। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। चलिए 11 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था? तो याद रखिए यह दिल्ली का किला, इलाहाबाद का किला, आगरा और लाहौर का किला, ये अकबर के काल में हुए। दिल्ली के लाल किले को, दिल्ली का लाल किला इनके अकबर के काल में नहीं बना। इसकी व्याख्या देखते हैं। शाहजहां ने अपने नवीन राजधानी दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है हुआ। 1 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला लाल किला हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में संपन्न हुआ था। 12वां क्वेश्चन है हमारा, वाह रे वाह, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये है हजरत महल, तो याद रखिए सी ऑप्शन है इसमें। लखनऊ अवध 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्प वयस्क बेटे ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अब 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरोध था? तो याद रखिए ए ऑप्शन है इसमें, मंदिरों में भ्रष्टाचार। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन का संबंध मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से था संबंधित।
अब 14वें क्वेश्चन की बात करें हम, सौम्येन्द्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो बी ऑप्शन है इसमें, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बी ऑप्शन है। सौम्येन्द्र नाथ टैगोर ने 1942 ईस्वी में क्रांतिकारी साम्यवादी दल और भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 में बंगाल में मजदूर नेता एच दत्त मजूमदार, अजीत राय, शिशिर राय और विश्वनाथ दुबे ने की थी। 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो याद रखिए ए ऑप्शन है इसमें, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। बात करते हैं श्रीमती एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, जबकि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1925 में चुनी गई थी। 16वां क्वेश्चन है वो हमारा, लोक हितवादी उपागम से किसे जाना जाता था? तो याद रखिए ए ऑप्शन है इसमें, गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी नामक उपनाम से जाने जाते थे। पैसे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, कामागाटा मारू क्या था? तो याद रखिए सी ऑप्शन है, एक जहाज। 26 सितंबर 1914 को 376 यात्रियों के साथ कामागाटा मारू जापानी जहाज के को किराए पर लेकर गुरु दत्त सिंह हुगली पहुंचा। वजवज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए इसमें। अब 18 क्वेश्चन है हमारा, अठारह 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, तो याद रखिए हैं सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की, भारतीयों को स्वतंत्रता पाने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों की एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य स्टीफोर्ड किप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और ए वी अलेक्जेंडर, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। मार्च 1946 में भारत मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भेजा। इस मिशन ने भारत में तत्कालीन अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन व संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। अब बात करते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन की, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? तो याद रखिए बी ऑप्शन है, डोमिनियन स्टेटस से, बी ऑप्शन है। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेटस से था। चलिए अब 20 देखते हैं, हमारा 20वां क्वेश्चन है, गांधी को वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो याद रखिए इसमें सी ऑप्शन है, माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। 21वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न कालों में से किसे लघु हिमकाल माना जाता है? तो याद रखिए सी ऑप्शन है, 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। फ्रांसिस मैथ्यूज ने लघु हिमकाल का समय 1350 से 1850 तक माना। नासा ने 1550 से 1850 तक निर्धारित किया। सबसे नज़दीक उत्तर है सी। चलिए बात करते हैं हम लोग 22वें क्वेश्चन की,
निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन है, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में, ये नहीं है। पहला हमारा ए मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा, वेरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में जुड़ना, यह भारत के नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 में हुआ। चलिए अब 23वां क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में, ये ऑप्शन है इसमें। दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, यह चेनाब चेनाब की सहायक नदी है। 24वां क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो ये झीलें हैं अपनी, ये अवस्थिति है उनकी, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अष्टामुड़ी है जो केरल में, पुलिकट है तमिलनाडु, रूप कुंड है अपनी उत्तराखंड, और सूरज कुंड है हरियाणा। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो अष्टामुंडी है जो ये है केरल, पुलिकट है तमिलनाडु, रूपकुंड है उत्तराखंड, सूरज कुंड है हरियाणा। अब बात करते हैं हम लोग 25वें क्वेश्चन की, निम्न नहरों में किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो याद रखिए यह एडन नहर, बी ऑप्शन सही है। एडन नहर पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है, 65 किलोमीटर लंबी यह नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। 26वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो याद रखिए डी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों पर आधारित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 560 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो याद रखिए अंचार झील सही ऑप्शन है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, कोलेरू है ये झील आंध्र प्रदेश में है, हमीरसर झील गुजरात में है। बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल है? तो याद रखिए एमाइलोज का, बी ऑप्शन सही है। बासमती चावल पाए जाने वाला वाले लाइसिन एमाइलेज नामक तत्व के कारण पकाने पर बासमती चावल लंबा हो जाता है। याद रखिए आयोग ने इसे एमाइलोज माना था। लेकिन अब 29 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो याद रखिए एडेफिक, ये ऑप्शन है। एडेफिक मृदा की एक प्रकृति है और पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों के अध्ययन एडेकोलॉजी कहलाता है। इसका मुख्य लक्ष्य आहार एवं फाइबर उत्पादन होता है। अब बात करते हैं 30 क्वेश्चन की, कौन से 30, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई? तो याद रखिए रेंगुर मिट्टी, डी ऑप्शन है इसमें, ब्लैक सॉइल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, रेंगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन चूना एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग, इसे रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। टेटिनिफेरस
मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। 31वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम है, तो याद रखिए इसमें सी ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम है आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। अब बात करते हैं 32 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, तो याद रखिए बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यह लोहे अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 33वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है। भारत में टिन अयस्क का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में टिन के खनन से संबंधित सभी एक सार्वजनिक क्षेत्र की और 4 निजी क्षेत्र की कंपनियां दंतेवाड़ा जिले में स्थित हैं। अब बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो याद रखिए डी ऑप्शन है। इसमें पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, ये खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। बी ऑप्शन है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियता झुकाव, ये भी खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। विश्व आयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, ये भी खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। तो याद रखिए डी ऑप्शन है, सौर विकिरणित ऊर्जा एक खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं, विश्व आयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियता और पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता इत्यादि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित हैं, किंतु सौर क्रेडित ऊर्जा से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, तो याद रखिए सी ऑप्शन है, शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश की, शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम, और उष्ण कटिबंधीय वन की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है। अब बात करते हैं 36वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो याद रखिए कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस मरुस्थल का विस्तार दक्षिणी अफ्रीका तथा बोत्सवाना में है। अब बात करते हैं 37वें क्वेश्चन की, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, तो याद रखिए सी ऑप्शन है, इसमें महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में। हमारे उपग्रह में पाए जाने वाले कुल मेदु जल का 68% से अधिक भाग महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में और केवल 30 भूजल और 0.3 झीलों, झरनों, नदियों के रूप में पाया जाता है। 38वां क्वेश्चन है हमारा, सोचिए निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, याद रखिए नहीं है पूछा, तो याद रखिए इसमें ए ऑप्शन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात नहीं है, तो इसमें ए ऑप्शन है। पृथ्वी की सबसे बड़ी ताजे जल की झील, तो सुफियर झील है, ये सही है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील, तो टिटिकाटा झील है, टिटिकाका, ये भी सही है। फिर है डी ऑप्शन, बी विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, तो ये टंगानिका झील, तो याद रखिए बी सी डी ये सही है, ये ऑप्शन गलत है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी जल की झील है सुफियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नाव गम्य झील है टिटिकाका। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टंगानिका झील। वेनेजुएला स्थित एंजल जलप्रपात को विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात होने का गौरव प्राप्त है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है
टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। तो निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो याद रखिए बैकाल झील है, ए ऑप्शन है इसमें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। इसकी गहराई 1637 मीटर है। अब बात करते हैं हम लोग 40वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए बी ऑप्शन है इसमें, होवर टेनेसी है, ये सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन ग्रैंड कुली कोलंबिया, नोरेक वक्स वक्स कहोरा वासा, ये जाम्बेजी। तो याद रखिए ये सी डी सही है, बी ऑप्शन गलत है। कोलेरेंडो रेडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका पर डेविस फाकेर होल्डर और हुअर बांध स्थित है। टेनेसी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका पर व्हीलर विल्सन नॉरिस और चिकमांगा बांध स्थित है। उपयुक्त सभी बांध जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गुट को सही उत्तर चुनिए। तो याद रखिए इसमें डी ऑप्शन है। तो पहले जो मंडल, उसके बाद है हमारा समताप मंडल, फिर हमारा मध्य मंडल, फिर है तापीय मंडल। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों का उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी है। जो मंडल 8 से 18 किलोमीटर, समताप मंडल है 18 से 32, ओजोन मंडल है 32 से 60, आयन मंडल है जो 60 से 640, वायुमंडल है 640 से ऊपर। चलिए 41वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन है सूती वस्त्र, डेट्रॉइट से संबंधित नहीं है। कागज है ऑन्टेरियो, ये सही है। रासायनिक है टेक्सास, ये सही है। मोटर कार नगोवा, ये भी सही है। बी ऑप्शन है इसमें गलत। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कागज है जो ये ऑन्टेरियो, सूती वस्त्र ओसाका कोवे कोए, रासायनिक टेक्सास, मोटर कार नगोया। सूती वस्त्र उद्योग डेट्रॉइट से संबंधित नहीं है, बल्कि यह ओसाका कोवे से संबंधित है, जबकि अमेरिका स्थित डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। 43वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा है 2013 में? तो याद रखिए चिली है, ये ऑप्शन है इसमें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। संसार में प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। इसको टिन में मिश्रित करने पर, कांस्य तथा जस्ते में मिश्रित करने पर पीतल बनता है। तांबे का प्रयोग विद्युत उद्योगों तथा बर्तन निर्माण में अधिकांशता होता है। अभियांत्रिकी कैलिको पेंटिंग तथा रंगाई में यह प्रयुक्त होता है। प्रकृति में तांबा खनिज कई रूपों में मिलता है, यथा चेल्कोपाइराइट चेल्कोसाइट एवं बोर्नाइट के सल्फाइट के रूप में है, क्यूफ्राइट के ऑक्साइड के रूप में तथा मैचेलाइट एवं एजो राइट के कार्बोनेट के रूप में। विश्व में तांबा उत्पादक शीर्ष देश हैं चिली चीन पेरू। क्रमशः हैं चिली चीन पेरू। अब बात करते हैं हम लोग 44वें क्वेश्चन की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था? तो याद रखिए बी ऑप्शन है 17.70%। जनसंख्या 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारतीय दस की वृद्धि 17.7% ग्रामीण थी, 12.3% और नगरीय थी 31.8%।
ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत दर मेघालय 27.2% और नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10% वृद्धि दमन और द्वीप की रही। अब बात करते हैं 45वें क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, तो याद रखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आंसर जो है वो ऑप्शन में नहीं है। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है, पुरुष साक्षरता दर 77.3% और स्त्री साक्षरता दर 57.2%। प्रदेश की कुल साक्षरता दर औसत राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है। 2011 से 2011 के मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में 11.34% की वृद्धि हुई है, जबकि लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। ठीक, अब बात करते हैं 46वें क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है, तो याद रखिए डी ऑप्शन है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंग अनुपात 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, जो 2001 से 10 अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात 949 और शहरी क्षेत्रों में 929। केरल में सर्वाधिक लिंग अनुपात व सबसे कम हरियाणा में है। अब 40-47वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, याद रखिए 16.16 सी ऑप्शन है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की कुल आबादी में से 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा छठवां है, जो कि विकल्प सी के निकट है। आयोग ने इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, याद रखिए। 48 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो कथन है हमारा ए, भारत में लिखित संविधान है। कारण आर है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, तो याद रखिए बी ऑप्शन है इसमें हमारा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। भारत में लिखित संविधान है और शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, जो कि कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब 49 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, याद रखिए, तो सी ऑप्शन है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये नहीं है। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना, ये सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये भी सही है। और फिर डी ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर रहना, ये भी सही है। हमारा जो ग्राम पंचायतों गठन है ये गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। अगली बात करते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया। फिर इसके अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में, मौलिक कर्तव्य में नहीं है। अब बात करते हैं हम 50 क्वेश्चन की। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं, तो याद रखिए हमारा विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या थी विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(1) में उल्लेखित है। विचार
तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब हमारा 51 क्वेश्चन है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकती है? तो याद रखिए संसद। संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां संघ राज्य संवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य पर राज्य सरकार, वो संवर्ती सूची है जो इस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, किंतु इन तीनों सूचियों में परिवर्तन व निर्णय का विशेष अधिकार संसद को है। यह प्रावधान अनुच्छेद 248 के तहत विहित है। अब 52 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एक हरी नागरिकता, सी ऑप्शन है इसमें। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक हरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, जबकि केंद्र राज्यों की शक्ति का बंटवारा पूर्ण रूप से लिखित संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के संघीय लक्षण है। अब बात करते हैं 53 क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो याद रखिए उड़ीसा, डी ऑप्शन। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जहां केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की सिफारिश की थी, वहीं उन्हीं कार्यों के लिए राज्य स्तर पर लोकायुक्त की सिफारिश की थी। उड़ीसा लोकायुक्त अधिनियम 1970 बनाने वाला पहला राज्य बना, जबकि महाराष्ट्र 1972 में लोकपाल की नियुक्ति की। अब बात करते हैं 54 क्वेश्चन की, संघ की कार्यपालिका शक्ति विहित है? तो याद रखिए राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। अब 55 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है, तो याद रखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों से मिलकर होता है। दोनों सदनों में शामिल हैं राज्यसभा और लोकसभा। 56 क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो याद रखिए भारत के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति, इन दोनों की उपस्थिति में भारत का प्रधान न्यायाधीश कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं हम लोग 57 क्वेश्चन की, तो नीचे दिए निम्न पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो एक कथन ए है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरा कारण आर है, उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर आधारित करता है। तो याद रखिए सी ऑप्शन है इसमें, ए बी दोनों सही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, यह कथन सही है। कारण आर, उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर आधारित करता है, जो कि सही है। अब बात करते हैं 58 क्वेश्चन की, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? तो याद रखिए अनुच्छेद 100 सी ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 70 उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। इसके साथ ही कुछ विशेष अधिकार भी है, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय व संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब 59 क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत करता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत
राष्ट्रपति का इसका है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, लोकसभा का विघटन, संसद के सदनों का अधिवेशन बुलाना, उनका सत्यावसान करना। याद रखिए, इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन इसे बुलाता है राष्ट्रपति। अब बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। भारत में मतदेने का अधिकार निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन कौन सा है? तो याद रखिए, यह है संविधानिक अधिकार अपना। भारत में मत देने का अधिकार संविधानिक अधिकार है। इस अधिकार का उल्लेख हमारे 61वें संविधान संशोधन में 18 वर्ष से ऊपर आयु प्राप्त सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अब देखते हैं हम 61 क्वेश्चन। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किस में किया गया है? तो याद रखिए, यह अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के नाम निर्देशित कर सकता है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात इसके वेतन भत्तों अन्य उपलब्धियों में कमी नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 139 संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से किसी अन्य प्रयोजनों के लिए से निर्देश आदेश वंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश स्थिति से अधिकार व्याख्या या उत्प्रेषण रिट या कोई एक निकालने की शक्ति प्रदान कर सकता है। 62 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की गई? तो याद रखिए, सी ऑप्शन सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान में मूल संविधान संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में भी निर्धारित किया गया। यह निर्णय गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त करने के लागू किया गया। अब बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। संसद में शून्यकाल का समय है, तो याद रखिए, डी ऑप्शन है, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे। संसद में शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक दिन में। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यद्य भी शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया संचालन नियमों में कोई उल्लेख नहीं, इस कार्यकाल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामले को उठाते हैं, उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। 64 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो याद रखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी ऑप्शन है। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उससे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जा सकती है। इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय बंदी करण करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी किए गए व्यक्ति को सशरीर नियत स्थान या नियत समय पर उपस्थित करे। न्यायालय उस विवाद को सुनेगा, यदि उसका बंदीकरण अवैध पाया जाता है तो वह शीघ्र आदेश जारी करेगा। अब बात करते हैं 65 क्वेश्चन की। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो कथन ए है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संविधानिक प्राधिकरण है। कारण आर है, ग्रामीण स्थानीय निकाय के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रखता है। तो याद रखिए, डी ऑप्शन है, इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक संविधानिक प्राधिकरण है। कारण आर है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, जिसमें कथन सही है किंतु कारण गलत है। 66 क्वेश्चन हमारा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए, बी ऑप्शन है, इसमें अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा यदि पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। ऐसी जांच में पारित हो जाता है कि तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से
राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। चलिए अब बात करते हैं 67 क्वेश्चन की हम लोग। कौन सा 67? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? याद रखिए नहीं है पूछा है। डी ऑप्शन, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल रहते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल रहते हैं, लेकिन राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं रहते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस 70वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा अंतर स्थापित किए गए दिल्ली और पांडिचेरी को। अब बात करते हैं हम लोग 68वें क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? तो याद रखिए 91 वा संविधान संशोधन, ए ऑप्शन सही है इसमें। 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई। इसके तहत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन की संख्या के 15% हो सकी। छोटे राज्यों जहां मंत्रियों की संख्या सदस्यों की संख्या 40 है, तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या 12 होगी। अब 69 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट को सही चुनना है। तो कथन ए है हमारा। आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, कारण आर है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो याद रखिए इसमें सी ऑप्शन है, ए सही है, कथन ए सही है, कारण आर गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, यह सत्य है कि और कारण आर गलत है। 70वां क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंधी संस्तुति प्रस्तुत करता है? तो याद रखें कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। उल्लेखनीय है कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग APC की स्थापना हुई और जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर ML दांतेवाला थे। 1985 में दिया गया CACPC का नया नाम है। मूल्य के संबंध में अपनी संस्तुति देते समय निम्न बातों पर ध्यान रखा जाता है, तो इसमें आगत को लागत में परिवर्तन, अंतर फसल का मूल्य क्षमता, मांग पूर्ति अंतराल, मूल्य स्थिति, वैश्विक उपलब्धता, कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार। बात करते हैं 71वां क्वेश्चन हमारा, सॉरी 71वां। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो कथन ए है हमारा। राज्य वित्त आयोग एक संविधानिक निकाय है, फिर कारण आर है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है, तो इसमें याद रखिए ए सही है, कथन ये सही है, कारण आर गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हम लोग, इसमें सी ऑप्शन है, याद रखिए। राज्य वित्त आयोग एक संविधानिक निकाय है जो कि सही है, और कारण आर, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है, यह गलत है। 72 क्वेश्चन है। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है इसमें, सॉरी ए ऑप्शन सही है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। 20 अगस्त 2015 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के लिए उद्यमी हेल्पलाइन शुरू किया गया। 73 क्वेश्चन है हमारा। VSC ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो याद रखिए ए ऑप्शन है 25। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ग्रीनेक्स में कुल 25 कंपनियां हैं। 74 क्वेश्चन हमारा।
निम्न नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, तो इसमें ए ऑप्शन है। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों पर प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ये भी सही है। औद्योगिकीकरण की ऊंची दर, इसमें चार गलत थे। ठीक, औद्योगिक की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाएं की बढ़ती संख्या और ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की दर के प्रमुख कारण हैं। अब बात करते हैं 75 क्वेश्चन। 1944 में गांधी योजना को प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखिए ये थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिबंध किया था। अब बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। पाई रहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किया जाता है, तो याद रखिए सोलर रेडिएशन। पाई रहीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन के को नापने के लिए किया जाता है। 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, तो याद रखिए जर्वेनियम, डी ऑप्शन है इसमें। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त कोटर बन जाता है, तो अर्धचालक कहलाता है। जर्वेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। अब 78 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मानव शरीर में सामान्यतः तापक्रम 58.4 डिग्री फॉरेनहाइट, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान होगा, तो याद रखिए बी ऑप्शन है 36.89 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम फॉरेनहाइट में 98.4 और सेल्सियस में 36.89 होता है। अब बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो याद रखिए 0। जल पीने से मानव शरीर को 0 कैलोरी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं 80वें क्वेश्चन की। आकाश का नीला रंग इस कारण दिखाई देता है, तो याद रखिए विकास का विकिरण, ये ऑप्शन है। क्योंकि विकिरण तरंग दैर्ध्य के व्युत के अनुपाती होता है, वो बैंगनी और नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, अतः उनका विकिरण अधिक होता है, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं 81वें क्वेश्चन की। बॉक्साइड एक्स है, तो याद रखिए बी ऑप्शन एल्यूमिनियम का। क्या का एल्यूमिनियम का बॉक्साइड Al2O3 2H2O और एल्यूमिनियम का मुख्य एस्क है, जो एल्यूमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह मुख्यतः ग्रेवसाइट, वोहेनाइट वोहेनाइट और डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। एल्यूमिनियम धातु का निष्करण मुख्यतः बॉक्साइड एस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं 82वें क्वेश्चन की हम लोग। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो याद रखिए अवतल। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है, अतः अंदर तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ियों के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो याद रखिए ये ऑप्शन है। नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके दूर किया जा सकता है। इस दोष में नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कार्निया या अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है, अतः पास की वस्तुओं को साफ तो साफ किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। चलिए बात करते हैं 84वें क्वेश्चन की। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो याद रखिए सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। अब 85वां क्वेश्चन है हमारा।
निम्नलिखित में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है इसमें। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में सर्वाधिक है। यहाँ पर जल में आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलियन लीटर है, मिलीग्राम लीटर है, प्रति लीटर है, से अधिक पाई जाती है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। 86 क्वेश्चन है हमारा। कहाँ सा मिश्र धातु है? तो याद रखिए तांबा एवं टिन का। कहाँ से धातु का निर्माण? 88% तांबा और टिन 12% का उपयोग किया जाता है। 87 क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो याद रखिए ब्राजील ने, डी ऑप्शन है। ब्राजील ने वर्ष 2007 से गैसोलीन में एथेनॉल का मिश्रण कानूनन अनिवार्य कर दिया। यह मिश्रण 75% और 25% के अनुपात में स्वीकृत है। अब 88वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो याद रखिए अदरक, बी ऑप्शन है। फिकंद मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। इसमें कक्षस तथा अग्नस कलिकाएं भी पाई जाती हैं। यह तना शाखायुक्त तथा शाखा रहित भी हो सकता है। इस प्रकार भूमिगत तना हल्दी, अदरक, केला, फर्न आदि पौधों में पाया जाता है। फिकंद भूमिगत तने का एक रूप होता है। 89वां क्वेश्चन हमारा। कोनेन सिनकोना पादक किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो याद रखिए छाल, डी ऑप्शन सही है। कोनेन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइन एल्कोलॉइड पदार्थ होता है जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्द नाशक और सूजन रोधी गुण होते हैं। यह दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्यूनेन नामक मलेरिया रोधी दवा के निर्माण में किया जाता है। कोनेन में दो प्रधान क्यूजेड रिंग होते हैं, एक एरोमेटिक क्विलोनीन लीन और दूसरा द्विचक्रीय न्यूक्लीडाइन। अब बात करते हैं हम लोग 90वां क्वेश्चन। लौंग है तो याद रखिए सूखे फूल, डी ऑप्शन है। लौंग मंटेसी कुल की यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग को इसके सुरुचिकर स्वाद, गर्म प्रगति के कारण भोजन में मसाले के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सूखी पुष्प कलिकाओं के बाष्प आसवन से प्राप्त बाष्पील तेल के मुख्य अवयव यूजिनॉल, यूजिनॉल एसिटेट तथा कैरियोकेलिन। यह तेल जीव वैज्ञानिक अध्ययनों में निर्मलक व स्थापना माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में तमिलनाडु व केरल इसके शीर्ष उत्पादक राज्य। 91वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन पादक हार्मोन नहीं है? तो याद रखिए साइटोकाइनिन, डी ऑप्शन है। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का पादक हार्मोन है। काइनिटीन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप जड़ों में अग्र सिरों पर होता है जहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है। एक कोशिकीय विभाजन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। अब बात करते हैं 92वां क्वेश्चन की। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। तो याद रखिए जल वहन के लिए। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये एक तिहाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल तथा खनिज लवण तथा भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। ये दो दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम या दारू फेलोरम या बास्ट। जाइलम ऊतक पौधों के जड़ तना पत्रियों में पाया जाता है। इसके चालन ऊतक भी कहते हैं। और फेलोरम भी जाइलम की भांति भी पौधे के जड़ तना व पत्रियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाता है। 93वां क्वेश्चन है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली भेलों में विशालतम है? तो स्पर्म भेल, सी ऑप्शन है। स्पर्म भेल दांत वाली भेलों में विशालतम है। वयस्क नर की औसत लंबाई 16 मीटर होती है। यह एक संकट ग्रस्त प्रजाति है। 94वां क्वेश्चन हमारा।
जब डॉक्टरों डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लीजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो याद रखिए, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में टेट्राप्लीजिया नामक पक्षाघात का शिकार होने पर मानव के दोनों हाथ और दोनों पैर और पैरों में संवेदन बकार क्षमता समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं 95वें क्वेश्चन की। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, तो याद रक्तहीनता। मानव शरीर में लोहे की कमी से रक्तहीनता या एनामिया की बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 12 मिलीग्राम होती है। इसका स्रोत है मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। 96वां क्वेश्चन है हमारा। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है, तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सलेट। व्यक्ति की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिसमें से मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। 97वां क्वेश्चन है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तम वृहत क्षेत्र में फैलता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए पेंडेमिक। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले ही अपेक्षा बहुत अधिक होता है, तो उसे महामारी या जानफदिक रोग कहते हैं। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यदि यह दूसरे देशों दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए, तो उसे सार्वदेशिक रोग कहते हैं। अब है अपना 98वां क्वेश्चन। कौन सा जल जनित रोग है, तो याद रखिए हैजा। हैजरा वीवियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। 99वां क्वेश्चन है हमारा। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है, तो याद रखिए मरकरी से, बी ऑप्शन है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब हृदय दाब कहलाता है। इस दाब को संकुचन दाब कहते हैं, जो निलयों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह संकुचन दाब उत्पन्न होता है जितना कि 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। इसके ठीक विपरीत अनुशीथलन दाब होता है, जो निलय के अनुशीथलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब रुधिर अलिंद से निलय में प्रवेश कर रहा होता है, यह दाब सामान्यतः 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन और अनुशीथलन दाब अर्थात रुधिर दाब 120/80 होता है। Hg मरकरी का रासायनिक संकेत है। अब हमारा 100वां क्वेश्चन। मानव शरीर का तापक्रम, तो याद रखिए सी ऑप्शन है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में। अब हमारा 101वां क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए प्लाज्मिड का। जैव प्रौद्योगिकी में वांछित जीनों के रूपांतरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेकोसियंस एवं एज राइजोजींस के प्लास्मिडो के टीए और आरआई के वाहकों के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम 112वीं क्वेश्चन की। कौन सा 112 है बात। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो याद रखिए सी नहीं है। यह अजैविक एवं जैविक घट दोनों संगठनों से युक्त है, यह सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है, सी ऑप्शन। रेडी अपना एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल द्वारा प्राणी विज्ञान ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक घटक संघटक पोषण स्तर ऊर्जा प्रवाह भू रसायन चक्र विकास संश्लेषण आहार श्रृंखला आहार जाल उत्पादकता स्थिरता पादप जगत जीव जगत वायोम पर्यावरण
उन्नयन, संतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। अब 103वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल लवणता विवर्तता को दर्शाता है? तो याद रखिए हेलोक्लाइन। कौन सी? हेलोक्लाइन, बी ऑप्शन है इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। सागरीय ताप विवर्तता को थर्मोक्लाइन, जल लवणता विवर्तता को हेलोक्लाइन, घनत्व विवर्तता को पाइक्लिनोक्लाइन व जलीय रसायन को केमोक्लाइन से व्यक्त किया जाता है। 104वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिए आइस कोर, ये ऑप्शन सही है। आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है। अब बात करते हैं 105वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो याद रखिए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। ऐसे स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इसके साथ ही इन जनजातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। भारत की प्रथम हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है, जिसका विस्तार श्रीलंका तक है। पश्चिमी घाट के अतिरिक्त पूर्वी हिमालय भी हॉटस्पॉट स्थल है। बात करते हैं 106वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैविकता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो याद रखिए पोषण स्तरों की कम संख्या ये गलत है, उत्तरदायी नहीं है। ये ऑप्शन है अपना पारिस्थितिक तंत्र का की उत्पादकता, ये सही है। मध्य व्यवधान, ये भी सही है। पारिस्थितिक तंत्र की आयु, ये भी सही है। पारिस्थितिक तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादक इत्यादि कारक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 107वें क्वेश्चन की हम लोग, निम्नलिखित में कौन वाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो याद रखिए डी ऑप्शन, वैश्विक ऊष्मन। इसकी व्याख्या देखते हैं, वैश्विक ऊष्ण में के फलस्वरूप सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवालों का रंग विकास संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण सफ़ेद हो जाता है, जिसे प्रवाल निग्रहण नहीं करते और मरने लगते हैं। ऐसे ही प्रवाल व्यंजन की संज्ञा दी गई है, वैश्विक ऊष्मन के कारण प्रवाल व्यंजन से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हिंद महासागर है। वर्तमान समय में विश्व के 58% प्रवाल संकट उत्पन्न स्थिति में है। बात करते हैं हम लोग 108वें क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार भारत धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? तो याद रखिए 2011-12, 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया। अब बात करते हैं 109वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, ये सही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, ये गलत है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है, ये भी सही गलत है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम में कम दक्ष हैं, तो ये भी गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं, वृहद स्तरीय जैव भू रसायन चक्रों के माध्यम से जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश तथा बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का चालन होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला या विवृत तंत्र का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश आगमन, पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता है।
बात करते हैं 110वें क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी है। निम्न में से कौन सा नगर इस 4 नगरों में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए, इलाहाबाद नहीं है, आगरा, वाराणसी, मेरठ है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2004 में कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्थापित किए तैयार किए। तो बात करते हैं 111 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट को सही चुनना है। तो कथन है अपना ए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित आधारिक संरचना उत्पादन ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। फिर है कारण आर, भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो याद रखिए ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए तो अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की बात। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आर्थिक आधारित संरचना ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है और कारण भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है दोनों सत्य हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 112वें क्वेश्चन की। मार्च 2015 में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित फेसेज एंड फ्लेसेज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिए है दीपक नायर। विख्यात अर्थशास्त्री और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दीपक नायर द्वारा लिखित पुस्तक केसेज एंड फ्लेसेज का विमोचन दिनांक 25 मार्च 2015 को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी द्वारा लिखा गया। अब बात करते हैं 113वें क्वेश्चन की हम लोग। निम्न में से किसके द्वारा मार्च 2015 में प्राप्त सूचना के अनुसार मंगल ग्रह पर जैविक रूप से उपयोगी नाइट्रोजन पाई जाती है? तो याद रखिए क्यूरोसिटी रोवर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मंगल ग्रह की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका विक्षेपण 26 नवंबर 2011 को कहने वाले से किया गया था। यह 6 अगस्त 2012 को मंगल पर ग्रह पर पहुंचा और मार्च 2015 में इसी यान के द्वारा सूचना प्राप्त हुई मंगल ग्रह पर नाइट्रोजन मौजूद है। 114वां क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2012 में 2015 में अर्थ आवर मनाया गया? तो याद रखिए बी ऑप्शन 28 मार्च 2015 में अर्थ आवर दिनांक 28 मार्च 2015 के दिन शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे तक रात्रि में मनाया गया। अब बात करते हैं 115वें, मार्च 2015 में प्रकाशित पत्रिका टेक्नो नो फिजिक्स के अनुसार विश्व का सबसे बेहतम ज्ञात शुद्ध ग्रह प्रभाव क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में। वर्ष 2015 में प्रकाशित टेक्नो नो फिजिक्स के अनुसार विश्व का सबसे बेहतम ज्ञात शुद्ध ग्रह प्रभाव क्षेत्र 400 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। अब बात करते हैं 116वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में किसने मार्च 2015 में जीएसटी पर अधिकार प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों के समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो याद रखिए ये हमारे KM मणि, सी ऑप्शन। केरल के वित्त मंत्री KM मणि ने मार्च 2015 में जीएसटी पर अधिकार प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों की समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तो बात करते हैं 117 क्वेश्चन की। मार्च 2015 में समर्पित वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा करने वाला प्रथम हाईकोर्ट कौन सा है? तो याद रखिए दिल्ली हाईकोर्ट, डी ऑप्शन। दिनांक 25 मार्च 2015 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं 118वें क्वेश्चन की। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किए गए ओपन गवर्नमेंट सूचकांक 2015 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो याद रखिए 37वां, कौन सा? 37वां, बी ऑप्शन है सर। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किए गए ओपन गवर्नमेंट सूचकांक 2015 में 102 देशों में भारत को 37वां, स्वीडन को पहला,
न्यूजीलैंड को दूसरा और नॉर्वे को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं 119वें क्वेश्चन की। निम्न में से किसे दिसंबर 2014 में भारत का द्वारा सफलतापूर्वक क्षेपण किया गया? तो याद रखिए GSLV-3। 18 दिसंबर 2014 को भूस्थिर उपग्रह विक्षेपण यान MK-3 इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश से में स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्षेपित किया गया। 630 टन वजनी और 43.43 मीटर लंबे इस यान से विक्षेपण के कुछ ही सेकंड में अपने को दूसरे लॉन्च पैड से अलग कर लिया और आकाश में उड़ान भरी। करीब 155 करोड़ की लागत वाला यह मिशन इसरो की अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने की योजना का हिस्सा है। बात करते हैं 120वें क्वेश्चन की। जनवरी 2015 में आरंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो याद रखिए बी ऑप्शन है इसमें असम में बोडो उग्रवादियों के खिलाफ। दिसंबर में 2014 में केंद्र सरकार ने असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड में के उग्रवादियों के विरुद्ध शुरू किया था। अब बात करते हैं 121वें क्वेश्चन की। एक सौ इक्कीसवा हमारा है नैनोफिलैक्स संबंधित है बी ऑप्शन है इसमें एक छोटे सुनने के यंत्र से। नैनोफिलैक्स पूरी तरह से ना दिखाई पड़ने वाले एक छोटा सा सुनने का यंत्र है। बात करते हैं 122वें क्वेश्चन की। आतंकी समूह अल शबाब ने अप्रैल 2015 में गरीसा विश्वविद्यालय में 147 लोगों को का कत्ल कर दिया था। यह विश्वविद्यालय अवस्थित है तो याद रखिए केन्या में। 2 अप्रैल 2015 को आतंकी समूह अल शबाब ने केन्या स्थित गरीसा विश्वविद्यालय में 147 गैर मुस्लिम छात्रों को मार डाला था। अब बात करते हैं 123 क्वेश्चन की। यमन में संचालित ऑपरेशन स्टॉर्म ऑफ रिजॉल्व में निम्न में से कौन सा देश ने भाग नहीं लिया? तो याद रखिए सी ओमान ने। यमन में संचालित स्टॉर्म ऑफ रिजॉल्व में सऊदी अरब के नेतृत्व में बहरीन कुवैत कतर संयुक्त अरब अमीरात जॉर्डन मोरक्को सेनेगल और सूडान नामक देशों ने भाग लिया। अब बात करते हैं 124वें क्वेश्चन की। चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया अवस्थित है तो याद रखिए फोर्ट विलियर में। 30 मार्च 2015 को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और भू विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा अंडमान निकोबार के फोर्ट विलियर में चुंबकीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। बात करते हैं 125वें क्वेश्चन की। फरवरी 2015 में निम्न में से किस राज्य ने अपने समुद्री तटीय इकोसिस्टम एवं तटीय बाह्य सीमा में डॉल्फिन जनगणना का कार्य प्रारंभ किया? तो याद रखिए उड़ीसा ने। फरवरी 2015 में उड़ीसा ने अपने समुद्री तटीय इकोसिस्टम एवं तटीय बाह्य सीमा में डॉल्फिन जनगणना का कार्य प्रारंभ किया। अब बात करते हैं 126वें की। फरवरी 2015 में भालचंद्र नेवाड़े को निम्न में से किस पुरस्कार हेतु चुना गया? तो याद रखिए यह नायोदम्मा पुरस्कार। अब बात करते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। भालचंद्र नेवाड़े जन्म 1938 में मराठा लेखक हैं, उपन्यासकार, कवि, समीक्षक तथा शिक्षाविद हैं। इनके द्वारा लिखित उपन्यास हिंदू जग न्यासी न्याची समृद्धा अड़गल के लिए वर्ष 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार 25 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किया गया। अब 27वां क्वेश्चन हमारा। फरवरी 2015 में निम्नलिखित में से किस देश को उसके 4 नगरों में एक साथ पहली बार ड्राइवर रहित कार परीक्षण हेतु चलाई गई? तो याद रखें ग्रेट ब्रिटेन डीए। फरवरी 2015 में ग्रेट ब्रिटेन ने में उसके 4 नगरों में एक साथ पहली बार ड्राइवर रहित कार परीक्षण हेतु चलाई गई है। अब बात करते हैं 128वें क्वेश्चन की। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा मार्च 2015 में विमोचित पुस्तक आतंक के साय में किसने लिखी? तो याद रखिए गरिमा संजय ने। 31 मार्च 2015 को उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने लेखिका व वित्त चित्त फिल्म निर्माता गरिमा संजय द्वारा लिखित आतंक के साय में नामक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया है। 129वां क्वेश्चन हमारा। निम्न में से कौन एक प्रवासी भारतीय सम्मान 2015 में से सम्मानित नहीं हुआ है? तो याद रखिए ईला गांधी।
माला मेहता हुई हैं सत्या नड़ेला और अशरफ फलार कुतुमत, ये इला गांधी नहीं हुई है। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2015 से सम्मानित लोगों की सूची है। सूची तो इसमें देख लें, सत्य नारायण नड़ेला ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक्रोसॉफ्ट के हैं। डोनाल्ड रविंद्रनाथ ये गुआना के राष्ट्रपति हैं। फिर माला मेहता ये संस्थापक इंडो ऑस्ट्रेलियन बाल विकास भारती विद्यालय के सिडनी ऑस्ट्रेलिया के। राजाराम संजय ये मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक हैं। कमलजीत सिंह बख्शी ये न्यूजीलैंड के सांसद हैं। यीशो गुलाम बहाद दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक हैं। महेंद्र नान जी मेहता ये युगांडा के व्यापारी हैं। फिर लॉर्ड राजलुब्बा लुम्बा तो वेटन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं। प्रोफेसर नाथुराम पुरी तो ये संस्थापक हैं प्यूरिको के ग्रुप के। कमलेश तो ये नासा के वैज्ञानिक हैं। नंदिनी टंडन तो अमेरिकी आईटी विशेषज्ञ हैं। फिर अपने राजमल परिक, फिर हैं दराई कत्तू करुणाकरण, फिर हैं साहे भरत भारत कुमार जयंतीलाल, फिर हैं अशरफ फलार कुतमल। 130वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा 130वां क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने जनवरी 2015 में जस्टिस एम के सिंघा को अपना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो याद रखिए डी ऑप्शन है इसमें, बांग्लादेश ने। न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंघा को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद द्वारा नियुक्त की प्रथम हिंदू मुख्य न्यायाधीश हैं। अगली बात करते हैं हम जनवरी 2015 में 131वां 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विषय वस्तु थीम थी, तो याद रखिए बी ऑप्शन स्वच्छ हरित तथा प्रगतिशील भारत के लिए युवा वर्ग। जनवरी 2015 में संपन्न हुए 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विषय वस्तु थी स्वच्छ हरित तथा प्रगतिशील भारत के लिए युवा वर्ग। 132वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2015 में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने फरवरी 2015 में अपराध अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का शुभारंभ किया है। बात करते हैं 133 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए यह नमित शर्मा बनाम भारत संघ। नमित शर्मा बनाम भारत संघ नामक विवाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। अब बात करते हैं 134वें क्वेश्चन की हम, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? तो याद रखिए जानवरों को दर्द निवारक देना, सी ऑप्शन है। इसकी व्याख्या थी, भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें बंगाल का गिद्ध सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन 1992 से 2007 तक इनकी संख्या 99.9% तक घट गई है और अब यह घोर संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में पहुंच गया है। इसका मूलतः कारण पशु दवा डाइक्लोफेनिक है जो कि पशुओं के जोड़ों के दर्द को मिटाने के काम में आती है। जब यह दवाई खाया हुआ पशु मर जाता है और उसको गिद्ध खाता है तो उसके गुर्दे बंद हो जाते हैं और वह मर जाता है। गिद्धों के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार व बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी के बीच एक समझौता 2006 में हस्ताक्षरित हुआ। एशिया में समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम भी शुरुआत किया गया। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 135। निम्नलिखित में किसे किसे मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया बी ऑप्शन है अपना। विशाल विविध देश कुछ देशों का समूह है जहां पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकतर प्रजातियां उपस्थित हैं, इसलिए इन्हें सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश माना जाता है। 1998 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 17 देशों को विशाल विविध माना है जिनमें से अधिकतर उष्णकटिबंधीय देश हैं। वर्णमाला के क्रम में ये देश निम्नलिखित हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कांगो, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला। अब बात करते हैं 136वें क्वेश्चन की,
सूची एक निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, याद रखिए नहीं है पूछा है, तो इसमें डी ऑप्शन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कार्बन व्यापार से संबंधित नहीं है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1969, ये सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा, ये भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, ये 1957, ये भी सही है। डी ऑप्शन गलत है, इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र निर्देशन में ओजोन छिद्र से उत्पन्न समस्या निवारण हेतु 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओजोन संरक्षण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसी सम्मेलन में यह तय किया गया कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन क्षरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बात करते हैं 137वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस देश को उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए भूटान है। भारत भूटान देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30 से 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम लोग 138 क्वेश्चन की। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, एक सूची से सूची दो हो गई, तो इसमें बी ऑप्शन है, याद रखिए। तो सोडियम त्रिकोण यह दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। फिर है अपना बरमूडा त्रिकोण, तो याद रखिए यह है अपना उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर है सी सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, तो याद रखिए यह है म्यांमार। फिर है रेड बेसिन, ये चीन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। स्वेडन त्रिकोण ये दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार, और फिर है रेड बेसिन चीन। अब बात करते हैं हम लोग 139 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित देशों में के नामों में से किसका नाम मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश, तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान नाम देश का अर्थ है 40 कबीलों का देश। अब 140वां क्वेश्चन है हमारा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, सूची एक में जनजाति है और सूची दो है जो इसमें राज्य है अपने, तो इसमें बी ऑप्शन अपना सही है। क्या टोडा ये तमिलनाडु से संबंधित जाति है, जनजाति। लेपचा तो ये सिक्किम से संबंधित है। वीर वीर हार है, वीर हार तो ये झारखंड से। गारो है ये मेघालय से। इसकी व्याख्या देखते हैं। टोडा जनजाति है ये तमिलनाडु, लेपचा है ये सिक्किम, वीर होर है ये झारखंड, गारो है मेघालय। अब बात करते हैं 141 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रस्त नगर नहीं है, तो याद रखिए चरखारी। डी ऑप्शन है कुलधारा, लखपत, धनुषकोडी, ये ध्वस्त नगर है। दिए गए प्रश्न में चरखारी ध्वस्त नगर नहीं है, धनुषकोडी तमिलनाडु, कुलधारा उत्तराखंड और लखपत गुजरात ध्वस्त नगर है। 42 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है, तो तेल कंपनियां। डी ऑप्शन है इसकी व्याख्या। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण भारतीय तेल कंपनियां करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के आधार पर इसका मूल्य निश्चित करती है। बात करते हैं 143वें। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और NTPC का अणु, इसकी व्याख्या देखते हैं। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का एक संयुक्त उपक्रम है। इस संयुक्त उपक्रम में भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम की 51% राष्ट्र तथा राष्ट्र और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 49% हिस्सेदारी है। 144वां क्वेश्चन है। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए सी ऑप्शन, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। कांडला गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह है, जिसका निर्माण 1950 में हुआ था। कांडला हमारे देश का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। बात करते हैं 145 क्वेश्चन की। तो 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिए विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस व विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 140वां क्वेश्चन हमारा। निम्न राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है, तो याद रखें राजस्थान, बी ऑप्शन है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल
लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विश्व का सबसे बड़ा 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित करने की योजना बनाई है। अब बात करते हैं 147 क्वेश्चन की। तो नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? तो याद रखिए सी ऑप्शन, अल्पसंख्यक मामले। नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अनुरूप उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं, चलो 148 क्वेश्चन की। कौन सा 148? तो निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर वे पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये लघु सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने, बी ऑप्शन है। दिनांक 20 फरवरी 2014 को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने वर्चुअल क्लस्टर्स वे पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं 1949 क्वेश्चन की। तो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो इसमें सी ऑप्शन है। WTO, तो यह सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। फिर है IMF, तो यह भुगतान संतुलन में असंतुलन ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। फिर है अपना SAARC, तो यह है दक्षिण, क्या है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना। IDA, तो यह नम ऋणों की स्वीकृति। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। WTO सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। फिर IMF, भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। SAARC है दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। IDA है नम ऋणों की स्वीकृति। 150वां हमारा और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कार्यक्रम में कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य रखता है? तो याद रखिए स्वच्छ भारत मिशन, डी ऑप्शन है। स्वच्छता और एवं सफाई साफ सफाई के प्रति जागरूकता सृजित कर देश को साफ सुथरा गंदगी से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया। इस मिशन को केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य रखा गया। चलिए तो दोस्तों ये था हमारा 2015 का PCS UPPCS का पेपर। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे हम 2016 के पेपर की, 2016 का हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर देखेंगे।